अंदाज आप मुझे फिजिकल हो रही है मेरे साथ, आपने मुझे धक्का लिया किसी वजह से। आप क्यों निकल गया है क्या? बुखार में मैं भी इंसान हूं। आपने मुझे हाथ भी लगाया, आपने मुझे धक्का मारा, आपने मेरी बात भी नहीं हुई आपसे। क्यूबिकल में उसको धक्का देते क्या? एक्सक्यूज मी बोल के बोल देते, मैं आ रहा हूँ अपना खड़ी है बॉडी फिजिकल। मेरा नहीं दिल कर रहा था दोनों सब ही हुआ। मेरा नहीं आयास मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है। मैं अपना सामान रखी हूँ, सब धक्का मार के निकल भी पा रहा है। मेरा तो बात भी नहीं हुई है पहले, मुझे मेरी तो बात भी नहीं हुई है। साइमा बस मुंह पे चली जाती है और गंदी बात करती है। दिस इज रॉन्ग। अभी मेरे को मारने पे आ गए रास्ते के अंदर जब खड़ा होता है। मुझे मारने आपको नहीं खड़ा होगा। मुझे मार दिया इन्होंने, मुझे धक्का दिया। बैठ जाओ बैठ जाओ। इन्होंने मुझे धक्का क्यों, मुझे मार रहे हैं मेरे बाप पे जा रहे। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? कहां से आ गए? आपने क्यों धक्का दिया? कहां से आ गए? मैं तो बोला ही नहीं है, मेरी बात भी नहीं हुई है। कैमरे के वो कह रही है इसके बाप का घर नहीं है। कौन होती है मेरे बाप का नाम लेने वाली? आपने मुझे धक्का क्यों मारा? मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने क्या बोला था? मैंने धक्का नहीं मारा। मेरी तुमसे बात हुई थी। एक मिनट बात हुई थी मेरी। ये मैं गुजरी हूं। धक्का नहीं होता था। प्रॉपर ये धक्का होता है। निकल दे और तू मैं धक्का मारे। किसी ने किसी को मारा? मुझे पता भी नहीं है क्या हुआ है। क्या हुआ? क्या है? साइमा जाहिल 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 कहीं की। साइमा काम डाउन, आपके अगेंस्ट चली जाएगी। जाहिल कहीं की जाहिल जाहिल। माही इसको किसी ने धक्का नहीं मारा, ये रास्ते में खड़ी हुई थी। मेरा कोई काम नहीं था किसी को धक्का मारू। आपको देख लो, आप जाके कैमरे में देखे, किसी ने किसी को धक्का नहीं मारा। तो पता भी नहीं हुआ क्या? किसी ने किसी को धक्का नहीं मारा। आप प्लीज हाथ देखो, जाके दिखाओ पूरी दुनिया को। अभी तो देखो नहीं 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 नहीं, आप पीछे मत आया करो। आपको ज्यादा मैं बोला है पीछे असिस्टेंट बन जाए उसकी, कभी किसकी कभी किसकी असिस्टेंट ही बन सकती हैं आप। नहीं की है ये बात इन्होंने। आपने नहीं सुना? मैंने दोनों को चुपराने की कोशिश, दोनों चुप नहीं हुई हो। मैंने दोनों को चुपराने की कोशिश, उसने धक्का मारा। मैंने दोनों को चुप कराने की कोशिश की है। मुझे आराम से बात हो सकती है, तो आप चिल्ला क्यों रही हैं भाई? उन्होंने निकल, उसने बोला है गुस्से में वो निकली, धक्का लगाया आपको लगाया मतलब मुझे मेरे हाथ से कब मेरे अंदर क्यों धक्का लगा? क्या हुआ? एक तो मुझे धक्का मार के गई है, दूसरा मेरा हाथ यूं कर रही है। धक्का आपको मारा है जी? बहुत सारे लोगों को मारे है, मेरे बाप पे जा रहे हैं। इसको पानी तो मुझे पता था इनको क्या हो रहा है। कैमरा लगा हुआ है, मुझे पता भी नहीं। मैं तो बाप के मारे धक्का मार के रास्ते में खड़ी हुई थी। ये रास्ते में खड़ी हुई थी। रास्ते में खड़े होते हैं हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी जगह दीजिए। मेरी बात सुन, धक्का मारा चलेगा तो मेरे को मारे। मेरे अजीज मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया। मैं गुजरी हूँ, उसको मैं लगी हूँ, धक्का मारना और वहाँ से गुजरते हुए किसी को लगना डिफरेंट थिंग। आप मेरे बाप पे भी गई हैं, आप मेरे बाप पे भी गई हैं। आप होती कौन है मेरे बाप का नाम लेने वाला? मैंने कब बोला ये मेरे बाप का घर है? मैंने तो हमेशा बोले कि ये मेरा घर नहीं है। पानी पी, हम लोग बोल लेना पहले, पानी पियो। अब मुझे आवाज पियो, लेकिन आपने मेरी बात सुनी। मैं जो अभी चुप करा रहा हूं, अभी मेरे को जवाब चाहिए इस बात का। आप कह के गए हैं आप मेरे हाथ में, मैंने निकाल लिया। बाप पे कौन जा सकता है? वेट करो, अब मुझे शो नहीं चाहिए। मैं तो टाइम दो, आई एम वेटिंग, और टाइम दो, आई एम वेटिंग। पानी पियो और अब चुप, टाइम दो। सायमा बैठो, चिल्लाना मत। हाँ टाइम दे, रिलैक्स, उनको भी टाइम दो, रिलैक्स। इसीलिए मैं भाभी ही निकला हूं। अगला भी बाकी भी टीम इंसान है ना, हो सकता है कोई बाथरूम में हो सकता है, कोई नमाज पढ़ रहा हो। रिलैक्स ठीक है, दानी बैठो यहां, मेरा सामान अंदर रखो। मुझे अभी खामोशी करानी है, मुझे मैं नहीं चाह रहा किसी को बेजीर करो सब रात में, मुझे शोर नहीं चाहिए। एक बात बोलूं, वो डर के मारे माइक भी बाथरूम बैंक के जाती है। कोई बात नहीं, इसीलिए इस वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है बहन, वोसा नहीं, इसको दुपट्टा लाके दो। फीलिंग आ रही है कि अब ये मुझे मारेंगे, दुपट्टा लाके दो और वहां पे अब ये मारेंगे मुझे। इजी
आप दुपट्टा ला के दो। कहती मैंने बाप का नाम कब लिया? बोला कहती तुम्हारे बाप का घर चोरी है। मैंने कब बोला मेरे बाप का घर है? फिर चढ़ गए चारों, फिर पांचों चढ़ गए मुझ पे। उससे बात कर रही हूँ कि आप गुजरी हैं, तो आप मुझे इतना नहीं कह सकती थी कि एक्सक्यूज मी आप साइड पे हो जाएं। कहती है मैं क्यों बोलूं, तुम खुद क्यों नहीं साइड पे हुई? मैं कपड़े तय कर रही हूँ, मैं कैसे साइड पे होंगी? ये उसूल है कि कोई भी गुजरेगा। आहिस्ता बात कर रही हूँ ना कि आप गुजर रहे हैं रास्ते से, आप इतना तो एक इंसान के नाते कह सकते हैं ना कि रास्ते से नहीं हटते, हम वेट करते हैं, हम वेट करते, खड़ी होती हूँ मैं, इनका बैग खुद ऐसे करके उठा के निकलती हूँ। मैंने आई नेवर डिड दैट। अब फिर चारों के चारों मैं उससे बात कर रही हूँ, कहती तुम क्यों हो मेरी दोस्त है, मुझसे भी बात करो। उससे कह रहे वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, तो मिल सकते हैं, मैं एक बंदे सब आ गए मुझे अलग। आप क्या है, पीछे से मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इधर सुनो, इधर सुनो ना मेरा, मैं तो भाग के बाहर आई हूँ जी, मैं तो भाग के आपके पास, जैसे मैं रात को निकली, क्योंकि इसका बिहेवियर यही था, मुझे पता था अभी मेरे को मारेंगे। सात लोग हैं, एक दिन तो मेरे से भी होगा कुछ ना कुछ। बात करी मैं ऐसे बात करो, तो आप मुझसे भी बात कर लेना, मुझे तो फालतू में पड़ा है। मैं केस सुन रहा हूँ उनका, आप अपनी आवाज कंट्रोल में रख ले, मुझसे सुन रहा हूँ। आपने से मैं तो ऐसे भाग नहीं आ रही हूँ, देख लिया है, क्योंकि अब तो ये मारेंगे मुझे। आराम से, आराम से मार रहे हैं भी। यार मैंने क्या किया, क्या है इनके साथ? बस आई हूँ, इट्स ओके। मारा भी नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि कोई चोट वाली मारती, बट एक डिसरिस्पेक्ट होता है कि फिजिकल क्यों हो रहे हो, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बार बार करते हैं, मेरे साथ भी हो चुका है। और अभी भी मैंने बीच में कहा मुझे छोड़ दो, क्योंकि कमर पे चोट लगी, मुझे भी धक्के लग रहे थे ना। अभी मारे धक्के जी? वो तो जब आए, जब सारे चढ़ते हैं, फिर मैंने कहा पीछे पीछे मुझे, फिर साथ के साथ इकट्ठे हो गए एक बंदे से, एक बंदा गुस्से में निकले और तुम आगे इंसान के नाते बात कर रहे हो, आप मुझे एक्सक्यूज मी कह दे, सिर्फ इतना बोल दें कि साइड पे, इतनी क्या दुश्मनी है यार, क्या इतना विकल्प पता है कैसे मुझे, तुम लोगों को नहीं पता, एंटर होना सामने सारी क्यों बेलने, तीन क्यों आपके सामने वो कपड़े, इस कोने में खड़ी जा रही थी, ये इस कोने में खड़ी थी, अपनी क्यूबिकल के आगे खड़ी थी, इसीलिए जब बाथरूम में होते मैं नहीं जाती। इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, वहाँ पर उनके बॉयज भी आ जाते हैं, सब आते हैं, भी उनको प्रॉब्लम ये कि दानिया तुम क्यों इतना साथ दे रही हो, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है तो दोस्त बनी हो, नहीं मैं इंसान तो हूँ ना मैं यार, ये नहीं कह रही कि उन्होंने उसको पंच किया, लेकिन एक डिसरिस्पेक्ट होती है जो मेरे साथ भी, मतलब ऐसा होता है लोग लिटरली दरवाजे के सामने खोलूँ एक्सक्यूज मी बोलो इग्नोर करते हैं, मैं खड़ी रहती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ। ये जवाब आप दानिया इसको काम डाउन करो। हाँ मैंने इसको यही बोला है, ठीक है, वरना उनको ये लगेगा कि मैं बाय स्टोर रहा हूं, ठीक है, मैं सारे को फेवर दे रहा हूं, ठीक है सायमा। अब वो अंदर जो भी बात करे और अंदर से जो भी आवाज आए, तुम रिएक्ट नहीं करूंगा, अभी मैंने भी करना है ना, मेरा तो बैग भी अंदर खुला पड़ा है, मेरा सामान भी अंदर खुला पड़ा है, मैं भी आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई हूं, अभी अंदर से जो भी आवाज आएगी, चाहे वो गलत बयान नहीं की हो, आपने रिएक्ट, आपको वो करेंगी, बाहर की लाइट्स ऑन है, आओ बाहर चलें, ठीक है, आप इसको बाहर लेके जाओ, बाहर आ जाओ सायमा, आ जाओ बाहर, आ जाओ सायमा, आओ उठो सायमा, मेरी खातिर, अच्छा मेरा सारा सामान अंदर खुला हुआ पड़ा है, वैसे उसको ये हाथ नहीं लगाएगा, कुछ सामान अंदर बैठा हुआ, सायमा जाओ बाहर बैठो आराम से, थोड़ा सांस लो, बाहर लेके में जाओ, आ जाओ बाहर लेके जाओ, आओ सायमा आ जाओ बाहर, कोई हमारे साथ एक बॉय भेज दो, मम्मी या किसी को भेज दो प्लीज। क्यों लगा भाई, कैसे लगा? आही मैं बोल दिया हूं, मैंने भी सायमा को चुप कराया, अगर आपने शाउटिंग करी तो मुझे बता दो, मैं उस तरह से फैसला करता हूं यार। कोई भी मैं एक इंसान प्यार से बोल के क्या, खामोशी चाहिए तो खामोशी चाहिए ना, आपको मेरी सुननी चाहिए ना, आ जाओ यार दानिया, दानिया 6 घंटे की जेल है माई को राज की, आ जाओ, मैं आप बोल के जाऊंगी, जा रही हूँ मैं जेल, लेकिन मैं बोलूंगी, चले आ जाओ, चले आप, ये लो बैठो, गलत बात है ना यार, मेरी क्यों नहीं सुन रहा वहाँ पे वो, मैंने उसको चुप कराया, मैं आप लोगों को सुनने आ रहा था, आप मुझे पता भी नहीं, मैंने दानिया को भेजा, दानिया को क्यों भेजा मैंने बाहर, 2 सेकंड में जेल जा रही हूं, दानिया को क्यों भेजा बाहर, मैं आपके सुनने आ रहा था, मुझे चुप नहीं करना, चलो मुझे नहीं पता, आपने मेरी एक दफा बात सुननी है, अब नहीं सुनूंगा, आपको सुननी पड़ेगी, अब नहीं सुनूंगा, बोलती रहूंगी, बोलती रहो, इस घर में कोई किसी की सुनता नहीं, सब इसी की सुनते रहते हैं, ये कौन सा इंसाफ है, तुम तो बहुत बढ़िया से हो रहे हो, मैं तो तुम्हें कुछ और समझती थी, भैया मैं इसी की सुनने आ रहा था, नहीं सुन रहा था, मुझे बेफालतू धक्का सुनने आ रहा था, मुझे बेफालतू धक्का क्यों पड़ा है, अंदर आ सुन ले, अंदर ही आ रही हूं, अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, कोई नहीं आएगा, सर यहीं पे मैं उठ के जा रही हूँ, वहाँ से पानी लेके आता हूँ, पे
लेकिन पड़ गई है ना जेल, हम देख रही है। मेरी बात सुनो यार, मुझे इसने बहुत दिन, मेरे दो हफ्ते बहुत बर्बाद किए हैं यहाँ पे इस औरत ने। इधर आ जाओ, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं। अगर कल जा रही हूँ मैं इसकी रात बर्बाद करूंगी आज। माही नहीं यार, बहुत हो गया। मेरी बात सुनो इधर, माही लिसन टू मी। बहुत हो गया यार, हमना बहुत हो गया, हो गया, बहुत लिहाज कर लिया, बहुत तमीज से रह लिया, यहाँ किसी से बात करो कोई सुनता नहीं है यार। बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैं माही, लुक एट मी माही, माही माही आंखों के सामने मेरी बात सुनो। इतने सारे विटनेसेस रॉन्ग नहीं हो सकते। ये मुझे अंदर डाल के चला गया, वो जब वहां चिल्ला रही थी उसको चुप, उसको जेल क्यों नहीं करवाई? चुप कर गई ना, चुप करो। वो बैठ के चिल्ला रही थी इसके साथ। अभी जब एक सेकंड यार, माही 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 लुक एट मी माही, दिस इज काम डाउन माही, चुप बैठी भी आप प्लीज माही, चुप बैठो आप। अयाज मैं आपको एक बात बोलूं, एक मैं जेल में ही हूं, आप मेरी एक बात सुनो। लड़कियों साइड करो, इसी इसी बिहेवियर की वजह से मैं लाया हूं। अगर आप वहां चुप हो जाते प्लीज प्लीज, थोड़ा सा लड़कियों साइड पर हो जाओ, मुझे अयाज से बात करनी है। मैंने सिर्फ एक बात कही थी, आप खामोश हो जाएं। मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने फैसला सुनाया था। मेरी बात सुने माही, मैंने फैसला नहीं सुनाया था, मैं दोनों पार्ट की स्टोरी सुनना चाह रहा था। अयाज आप हमेशा उसकी जाके सुनते हैं, आपने कभी यहाँ की स्टोरी नहीं सुनी। पूरी वजारत के अंदर मैं चुप इस वजह से थी। नहीं यार वजिया साइड पर हो जाओ, गर्ल साइड पर हो जाओ, मुझे बोलने दो, यहाँ से बात कर लो। सुननी नहीं आप, आज अंदर जाओ शाबाश। माही यार तू आराम से बजी आ जा यार, उसको गुस्सा आया है ना। जी हम ना आ जाओ, फालतू में धक्का पड़ा है, क्यों खाओ किसी का धक्का यार। हम ना आ जाओ, मैं क्यों खाओ किसी का धक्का, क्यों खाऊं मैं किसी का धक्का, फालतू में धक्के नहीं खाने आई यहाँ पे, किसी की बकवास नहीं सुनने आई मैं यहाँ पे। काम डाउन, वो काम डाउन नहीं होगी, मुझे तो हमें बात करने थे उससे। मैंने काम डाउन तो हल्का ही करा होगा, क्योंकि अपना कर रहे हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है यार? हम अपना कर रहे हैं, नहीं आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। हम अपना मर्जी, हम मजाक कर रहे हैं, हम लोग किसी से लड़ तो नहीं रहे। नहीं नहीं क्यों नहीं, नहीं ये कहीं नहीं लिखा हुआ तमाशे के लॉ में, आप अपना कुछ नहीं कर सकते यार। धक्के का ना तुम्हारे पास और प्रूफ आया अभी, अभी हम जी फैसला करेंगे, बादशाह सलामत करेंगे, फैसला कर लेंगे। पढ़ रहे क्या नाम है आगा, ये यहीं से कंटिन्यू होगा। हाँ सॉरी बस करना, तू भी फुटेज लेने के चक्कर में तीन बातें एक्स्ट्रा करता है। नहीं सर जूते अच्छे पहनने, सुन ले उसकी। इसने उस बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की है कि मैंने उसे धक्का दिया, जबकि आप किसी के पास से गुजरते हो, आप अगर इतने पास से गुजरे तो आप उसे टच करोगे। हमें 10 दफा उसके कहने का मतलब ये था, लगा था धक्का नहीं लगा, मतलब टच कौन हुआ था? मैं टच हुई हूँ साइमा को, और उसने इस बात को बेस बना के मैंने उसको धक्का दे के गई हूँ, और मैंने उसको एक्सक्यूज मी सारी चीजें नहीं बोली। ठीक है, उसने इस बात इस बेस के ऊपर ये सब कुछ शुरू किया है, पता नहीं। और उसके ऊपर बाद में इसने मुझे फिर ये भी कहना शुरू किया जो भी वो करती नहीं, मेरे साथ शुरू होगी। हाँ ये इसके साथ भी शुरू होगी। आपके साथ क्या मसला हुआ था? मैंने कुछ नहीं बोला, पता नहीं कोई उल्टी बात की, तो मैंने कहा इसको बोलो मत, तो कह रही तुम बीच में मत बोलो, तो मैंने कहा मेरी दोस्त से बोलूंगी तो उंगलियां दिखाना शुरू, तो मैंने भी दिखाई उंगली। मतलब बात कोई इतनी सी भी नहीं थी। 10 दफा आप दूसरों का चेयर खींच रहे हो, दूसरों का रायता खींच रहे हो, दूसरों को यूं पा रहे हो। नहीं लेके एक बात बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि नहीं लेके आओ, नहीं लेके आओ। ओके बात सिर्फ इतनी है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मैं उसके पास से गुजरी हूँ जो कि मैं उसे टच हुई, मैं बता रही हूँ कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया। और धक्का होता है कि बंदा आगे गिर जाता है, ठीक है, वो अपनी जगह से हिली तक नहीं है। क्या उसको लगी क्या आपको मुनासिब नहीं लगा कि गुजरने पहले उसको कह देंगे साइड पे हो जाओ? अगर वो रस्ते में हम लोग रोज गुजरते हैं, तीन इतने ऐसे गुजरते हैं रोज, और ये भी गुजरती है ऐसे। मैं उसको डिफरेंटली उस वक्त क्यों वो करूंगी इतना, क्योंकि रोज गुजरते हैं, ये भी गुजरती है, उसकी बात है। हमने अपने सूट की टच हो रही थी आप लोगों से, हां भाई होती है, बल्कि एक दूसरे को हम लोग हिट होते हैं के ऊपर से, चीजों के ऊपर से वॉशरूम कर रहे हो। तो माही का क्या हुआ था फिर? हम अंदर थे और ये और वो मानूर बार थी। वो मेरे साथ फिर शुरू हुई है, क्योंकि वजीहा और जोया वॉशरूम के अंदर चले गए थे, वो लगी रही मेरे बैग से, पता नहीं उसने क्या किया है। वजीहा को कह रही उसने मेरा बैग मूव किया, मैंने कहा साइमा मेरा बैग मूव नहीं करें, और फिर उसने मुझे वो चीज इग्नोर किया। आपका बैग उसके पास पड़ा हुआ था, आपका बैग दोनों का वो हमारी जगह पे है, उसने मूव किया। फिर वजीहा कहती पपीता के मुंह वाली मेरे मुंह लग रही है, और मैंने कहा साइमा आप लुक्स पे कॉमेंट नहीं कर सकती। कह रही वो मुझे कह रही तुमने भी तो मेरे लुक्स पे कॉमेंट किया जब तुम और दानिया जेल में बैठे हुए थे, और माही और तुम लोग मेरे कपड़ों का मजाक करते। मैंने कहा वो कपड़े थे, ये आपने इसके चेहरे पे कमेंट किया, आपने इसके लुक्स पे कमेंट किया। फिर वहां से बाहर जाते हुए इसने माही को पुश करती हुई गई है, ये दोनों तो ये मैंने देखा है, इसने माही को जाते हुए उसने उसको धक्का दिया, और मुझे भी ये होता है माही यूं खड़े होते हम दोनों को पुश करती हुई ये बाहर आई है, इसने लिटरली पुश किया, अंदर कैमरा है, और ये तो सिर्फ टच हुई थी, इसके ऊपर इसने इतना हंगामा किया है। लाइक अगर आप इधर खड़े हो रहे हैं तो स्पेशली हाथ से, और उसके ऊपर माही ने स्टैंड लिया, साइमन ने पुश किया आपको और माही को, यस हमें पुश करती हुई बाहर गई है, उसके ऊपर माही ने स्टैंड लिया कि आप मुझे पुश नहीं कर सकती, मेरी माही की कोई इन्वॉल्वमेंट मतलब
मतलब माही माही अभी अलग से खड़ी है फिर भी जब मैंने अभी आके साइमा को अलग किया है माही को अलग किया है मैंने साइमा को चुप हो जाओ साइमा मुझे आराम से अपनी स्टोरी सुना रही थी माही को मैंने कहा चुप हो जाओ मैं कहा था आप सबके सामने आप सब गवाह थे उस वक्त इन दोनों की आर्गुमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी माही जब साइमा के पास आई इन दोनों ये दोनों ऑलरेडी एक साथ शुरू हो गए थे इतनी इन लोगों की हीटेड आर्गुमेंट हो गई थी उस वक्त और माही चाहती थी कि आप उसे सुने आप चारों माही के साथ थी ना आप लोग चुप करा देते कि वो उनकी हम चुप करा रहे थे लेकिन वो नहीं चुप हो रही नहीं बोल सकती कि आप पहले साइमा की सुनते फिर माही के पास आते हैं माही ने ये बोला दोनों को अलग अच्छा भाई आइंदा जब भी होगा ना फिर मैं टॉस कर लूंगा जिसकी पहले सुननी होगी उसकी सुन लूंगा ये कर लेते मैं कुछ नहीं कह रही उसको ये लग रहा था कि मेरी बाद में सुन रहे सोचने वाला फिर बहुत सारी चीजें सोचेगा ना यार बैठो आप लोग चलो माही को जाके देखते हैं आ जाओ चलो वो माही के पास ही जा रहे हैं उनको एक दफा बात कर ले नहीं जा रहे अल्लाह करे बात कर ले जा रहे हैं माही के पास जा रहे हैं वो देखो अब वो एक दफा बात कर ले वही चीखेगी और ज्यादा मसला होगा अच्छा वही को थोड़ा सा ठंडा होके उससे बात कर मैं आ गया हूँ नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी है आज मैं आपकी वजह से तीन दिन चुप थी कि आपकी वजारत खराब ना हो मैं आपने किया मैंने अंदर माही मैं आपसे कह रही हूँ मेरी दो मिनट बात सुन ले मेरी दो मिनट बात सुन ले मुझे लड़ाई खत्म करवानी थी दूर करना था दोनों को किसको आप मेरी मसलियत नहीं समझ रहे मैं आपकी मसलियत समझ रही हूँ मैं आपकी वहाँ ले आपकी अंदर भेजा दोस्तों आपको इस घर में मैंने प्रूफ किया है बहुत सारी कुल ज्यादा मैंने कभी मना किया है मेरी बात सुने मैंने आपको कब मना किया है मैंने आपकी दोस्ती से इनकार किया मैंने आपके एहसान का बदला लिया नहीं मैं दोनों को आपने मुझे यहाँ भेज दिया उसने सबके साथ एक मेरी बात सुने मैं जेल के अंदर हूँ मैंने आपकी ये आ गई ना मैं आपके कहने पे मेरी एक बात सुने इसने कल सुबह भी किया मैंने आप तक बात आने दी मैं खड़ा हूँ मैं सुन रहा हूँ आप ही की सुन रहा हूँ बस मैं नहीं बोलूंगा अयाज बहुत गलत हो रहा है घर में ठीक है मैं नहीं बोलूंगा आपकी सुनूंगा ठीक है आप अपना केस रख दो मैं चुप हूँ पानी पी लो आराम से बताओ नहीं मुझे बात करनी है मुझे पानी नहीं चाहिए यार प्लीज मेरी बात सुने मैं सुन रहा हूँ आपके लिए खड़ा हूँ देखें कल इसने सुबह गलत किया जुनेद उस बात का गवाह है मैंने आप तक बात आने दी उसने चेयर पकड़ी उसने मुझे उस चेयर से उठा के दूसरी चेयर पे भेज दिया चेयर पकड़ के रखी मैंने उसको बोला हाथ नहीं लगाओ मैं उठ रही हूँ आपने दो मिनट बोला दस मिनट हो गए शायद एक मिनट भी नहीं हुआ था तब तक ठीक है मैंने कहा हाथ नहीं लगाना आगे से कहती आपको हाथ लगाऊंगी छी 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 आप तक आने दी मैंने बात मैंने नहीं आने दी मैं चुप करके दूसरी सीट पे बैठ गई मैंने अपना मेकअप किया उसके बाद उनकी मानूर से लड़ाई हो गई अभी इन सब का कुछ चल रहा था मैं वॉशरूम में चेंज करने गई हूँ मैं बाहर निकली हूँ मैं देख रही हूँ और मुझे धक्का मार के गई है मैं ऑलरेडी उससे बहुत परेशान हूँ मुझे उसने मौके का फायदा देख के उसने धक्का मारा उसने मारा ना धक्का क्यों मारा कभी वो मेरा बॉल छीनती है बड़बड़ाहट करती है यार उसको क्यों नहीं भेजा मतलब वो इतनी होशियारी वो टाइम पे चुप हो जाती है गलती आप मेरी वैसे भी नहीं सुनते ना बात ये किसी को सुनना है मैंने आपको कल रात का बोला आपने मुझे क्या आपने चिढ़ाया होगा तो मैं आपके सामने कोई भी बात रखती हूँ ना आप मेरी बात नहीं सुनते मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कल आप दानिया की वजह से आपने मेरे मुझे पहला लफ्ज क्या बोला ये दानिया और साइमा दोनों मैंने बोला आपने बोला उसका शियाटिका ट्रिगर हुआ उसके बाद दानिया का लफ्ज मेरे मुंह पर आया बट उस वक्त आपको अंदर चले जाना चाहिए था मैं देख रहा था साइमा ने मुझसे क्या शेयर किया साइमा कह रही थी कि ये लोग मुझे ट्रिगर करती है सारी मिलके मुझे वो करती मुझे अपना अकेला टाइम चाहिए था मैं और कहां बैठूं मैं बाहर नहीं बैठ सकती थी इसलिए मैं बाथरूम में थी ट्रिगर नहीं किया कुछ भी नहीं मैं उसके अल्फाज बता रहा हूं ना आपको उसकी आप उसकी बात मान रहे ना तो मेरी भी तो सुन लेना देखो उसका जो जेन्युइन रीजन था वो बाथरूम के अंदर थी उसने बोला मुझे अपना टाइम चाहिए था मुझे अकेले रहना था निकाल के वहां बैठी है कि निकलो मैं वजीर को बता रही हूं मैं अपना हीट लगवा रही थी मेरा हीटिंग पैड इसकी वजह से चला गया कितनी चीजें मैं इसकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूं चुप क्यों बैठी हूं क्योंकि तुम्हारी वजारत है आपकी वजारत में नहीं गया लेकिन इसने मुझे बहुत तंग किया इन दिनों भी अच्छा बहुत तंग किया एक इंसान ना बस मुझे बताओ आप मुझे बता मैं तीन दिन से चुप होने कल रात को मैंने क्या मैं अभी बोली हूँ मैं तीन चार दिन से चुप हूँ
मैं कुछ कर रही हूँ नहीं कर रही मैं अपने गाली मेरे को दे दिया इन्होंने फिजिकल ये लोग मुझसे हो गए बात तक मेरे ये लोग आ गए आप और क्या चाहते हो क्या चाह रहे हो थप्पड़ ऊपर मारे मुझे फिर कुछ करेंगे आप लोग उसके भी नर्स को होगा ना इशू वो करेगी तो मैं करूंगी हमारा तो येलो अयाज अयाज एक बात बताओ देखो वो इस घर में ना उसको जो चाहिए ना वो चीज उसको उस तरह से मिल रही वो जो चाह रही वो हो रहा है बहुत सारी चीजें हो रही है यार उसे कहने पे कौन सा उसको कोई मसला ही नहीं है यार उसका मसाजर मिल गया उसको कोई मसला ही नहीं है मेरा 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 L4 L5S1 का मसला है मेरा ही टीम बैठ गया है उसकी टसल मेरे साथ है वो जो करवाना चाहती मेरे साथ करवा देती है और उसके बाद वो खुश होकर बैठती है मेरी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ये गवारा नहीं करती है उसने क्या किया आपके साथ बहुत सारी चीजें की है यार आज क्या किया ये बताओ अभी थका मारा ना थका तो उसको वजिया ने दिया लड़ाई उसकी वजिया से थी तो आपके साथ किस तरह स्टार्ट हुई कुछ भी नहीं हुआ मैं बाहर आई हूँ वॉशरूम से आप लड़कियों से पूछ ले मुझसे मत पूछ ले उनसे पूछ ले फिर क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ मैं वॉशरूम से निकली हूँ खड़ी हुई बीच में खड़ी हुई थी मैंने कहा साइमा साइड ये साइड पर हुई है उस वक्त मैं आगे गई हूँ जाने लगी ये पीछे से भागती हुई आई है इसने धक्का मारा और निकलती भी गई है मेरी बात ही नहीं हुई है साइमा से ये हुई है कि साइमा साइड पर उन्होंने जगह दो मेरा तो मसला ही नहीं था मैं तो वॉशरूम में थी तो बैग पैक करने आ रही हूँ बाहर निकली हूँ तो लड़ाई चल रही है मेरा तो कुछ था ही नहीं दानिया कहती वो गुस्से में भागी थी तभी आपको लग गया आपका गुस्सा उसके साथ मेरा बीच में क्या कामडाउन हो रही है वो कामडाउन हो रही है मेरे पीछे से गुजरी उसको टक्कर मारते उसने पहले टू बी ऑनेस्ट बड़े आराम से कहा वजिया ये कोई तरीका नहीं फिजिकल कांटेक्ट हुआ है आप मुझे कह सकती थी एक्सक्यूज पहले उसने ये कहा साइमा ने बिल्कुल इसी वजिया आप क्रॉस कर रही थी मुझे फिजिकल टच हुआ है ये अच्छा नहीं आप मुझे एक्सक्यूज नहीं कह सकती थी वो मुड़ी और उसने कहा आप रास्ते में क्यों खड़ी थी उसने कहा मैं रास्ते में नहीं अपने क्यूबिकल में खड़ी थी कहते तो जब पता लग रहा है तो कोई आ रहा है तो आगे हो जाती ना शुरू यहाँ से एग्रीवेट हुआ उसने फिर उसको आगे से कहा नहीं 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 उसने उसको कहा कि पपीते वाली शक्ल वाली वो उसको पर्सनल नहीं कहते उनका मुँह बना रही थी चिढ़ा रही थी उस पर उसने कहा और इस सब में जब भी ये हो रहा था अयाज मैं अपने क्यूबिकल से मुड़ी नहीं क्योंकि मेरा फड्डा नहीं था ना मैं मुड़ी रही ठीक है मैं पड़ी नहीं फिर जब ये वापस आ रही थी मुझे भी टच हुआ पीछे मेरे बैक का इशू मैंने कहा सब पीछे 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 और मैं बिल्कुल हमें क्यों कौन टच हुआ कौन टच हुआ आपको मुझे नहीं पता है पीछे नहीं देख रही थी ठीक है मेरी यहाँ पे कमर पे मुझे जब हुआ मैंने कहा पीछे 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 क्योंकि मेरी चोट लगी हुई है वो मुझे वहां से निकाल के यहाँ भेज दे और वो बैठी रहे मैं चुप करके बैठ जाऊँ ठीक है और इनका सिमिलर है अभी देखो अभी मैं उसके साथ नॉर्मल आ रही थी ना ये भी तो 6-7 भर के आ रही थी मैंने तो किसी से नहीं कहा तुम उसमें तो शहरयार भी आ जाता उसमें तो जुनैद भी आ जाते हैं जब मेरे ऊपर भी चढ़े थे तीनों सब आ गए थे कोई इनसे कह रहा था आप क्यों आ रहे हैं नहीं ना अब मैं उसके साथ हूँ तो अभी माही मेरे मुंह पे बिल्कुल उस तरह चढ़ी थी जिस तरह हमने उस दिन मेरे मुंह पे चढ़ी थी देखा था वो तुम देख रहे थे मैंने क्योंकि अब मेरे साथ हो चुका था मुझे पता है मैंने कहा जान के रिपीट करिए कि मैं रिएक्ट करूँ मैंने कहा पीछे 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 मैं अपना करते हुए आ गए राइट बट ये बड़ी प्लान करते हैं ये जान के कहते हैं ये देखते हैं इसकी क्या है कमजोरी इसकी क्या है कमजोरी तो जो भी है साइमा शुरू की अगर बात की जाए ना उसमें ये था जो भी हुआ मैंने बड़े आराम से कहा जो कि कहने का तरीका है वजीहा बदतमीजी करती है वजीहा बहुत ज़्यादा अंदर ना वो करती है बदमाश बनती है ठीक है यूँ जैसे बाथरूम का सिंक है ना हमें क्रॉस करना होता है ना उस पर टांग रखती हूँ खड़ी रहती है सही है उसको एक दफ़ा एक्सक्यूज़ नहीं कहूँगा 3 दफ़ा एक्सक्यूज़ नहीं करना पड़ता फिर बोलना पड़ता है जाना है टांग नीचे पर ये करती है वो समझ रहे हो ये छोटी छोटी चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें किसी के कपड़े सूख रहे होते हैं उसके पास गन डाल देना जान के सैमा के पास सैमा के पास उसके जो कपड़े बाहर सूख रहे होते हैं हम इस तरह होते हैं जान के कर देना हटा देना अपनी चीजें डाल देना सारी चीजें एक साइड सारा पूरा केस सैमा अभी अभी जो शुरू हुआ है ना उसमें देखो उसने बोला क्या के हक में है हां तो इसीलिए मैंने सैमा को बिठा दिया अब प्रॉब्लम पता है क्या सैमा ने माही का पड्डे से लेना देना नहीं था तो माही क्यों घुसती है माही तो आई थी आगे निकलने के लिए मुझे कह रही थी देखने के लिए आई थी वो बोलती भी थी क्या है एक मिनट अगर माही को खड्डा देखना होता तो वो सैमा के पीछे खड़ी थी ना सैमा के आगे से गुजरना क्यों चाहती वो पहले ही शोर पे आई चलो फिर चलो एक मिनट किया बट क्या सैमा ने अपने सामने धक्का दिया उसको
यार मैं सच बता रही हूँ, हम लोग पीछे तक, क्योंकि मुझे अपने आँख को बचाना था, मैं पहले जब तक साइमा ने मुझे आवाज़ नहीं दी मैं बीच में नहीं पड़ी थी, मैं अपना में चीज़ें निकाली थी, मैं बिल्कुल आगे हुई, मुझे जब टच हुआ मैंने कहा पीछे पीछे मेरी बैक का इशू है, वहाँ से अब ये हो जा रहा था, जोया भी उसमें शामिल हो गई, मेरी दोस्त है मैं बोलूँगी, मेरी दोस्त है चाहे खुद देना है, अब साइमा ने जब मुझे आवाज़ दी तब मैं मुड़ी और मैं बीच में मैंने कहा गाइस छोड़ दो, तो सब आ गए आप कौन होती है बीच में आने वाली, आप कौन, आपकी कोई दोस्त नहीं बनती तो यहाँ चिमड़ रही है, मैंने किसी चीज़ पर नहीं दिया ठीक है, कॉर्नर तो वो कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है कि ये सेव हुई, आप किस तरह से उसको निकाल सकते हैं वो है। और कल भी मैं बताती हूँ, कल जब जेल वाली बात हुई है ना तो वजीहा स्टॉर्म करती हुई अंदर आई है, अच्छा जब उसको इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना मुझे भी अपना दोस्त बना लेती है ठीक है, आइए कहते तानिया यार ये साइमा की हर वो क्या थाइमा ऐसा इतना क्या इसकी तारीफ करके जाते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, कुछ तो सही कर रही होगी ना जो बोलते हैं बाहर वाले बोल रहे हैं देख के बोल रहे हैं कुछ तो सही कर रही होगी, नहीं नहीं दिस इज स्टूपिड यार दिस इज स्टूपिड, मैंने कहा हम नहीं कह सकते ठीक है, तो बात ये है कि उनको है, अब तो मेसी से देख लो मुझे तीन वोटों से तीन वोट जो भी है ठीक है, और जो भी है अगर सब साथ हैं, आज उनको ये भी है कि उन्हें पता है वो मुझे भी टारगेट करें, दरअसल उन्होंने पता है हम साथ हैं, मैंने इसको शुरू में भी कहा था मेरी साइमा की कोई शुरू से दोस्ती नहीं है, हमारा तो शुरू में खड्डा भी था, हमारी यहीं आके दोस्ती है, क्योंकि पता है सच में जो साइमा यहाँ है बाथरूम में जाके साइमा टी पानी करती है, बाथरूम में जाके साइमा सिर्फ अपने 5 मिनट लेके बस मुझे खामोशी से